नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। दोस्तों अभी हमें वाराणसी के 80 घाट पर आप देख सकते हैं, मौसम काफ़ी सुहाना है। बनारस में पिछले दो दिनों से खूब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर भी जल जमाव हो जा रहा है। अभी भी हल्की फुल्की बारिश यहां पर हो रही है। दोस्तों आज हम आप सभी को वाराणसी के चार स्थानों से तस्वीरें दिखाएंगे। पहला आप सभी 80 घाट से देख रहे हैं, दूसरा गदौलिया चौराहे से देखेंगे व तीसरा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन व चौथा लंका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेन गेट से देखेंगे। आप देख सकते हैं 80 घाट पर खूब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से घाट जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं बारिश के साथ हवा भी काफ़ी चल रही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर। यहां भी काफ़ी तेज़ी से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से गदौलिया चौराहा भी जलमग्न हो गया है। आपको सामने भव्य मल्टी लेवल पार्किंग मेरे वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा। दोस्तों एक दिन पहले जब बनारस में बारिश हुई थी तो बारिश के पानी से गदौलिया दशाश्वमेध घाट मार्ग पूरी तरीके से डूब चुका था। अभी फिलहाल में वहां पर पानी नहीं है। आइए चल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहां से आ जा रहे हैं। यहीं पर ही पानी पूरी तरीके से भर चुका था। दोस्तों अभी मार्केट भी बंद है। पहुंच चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास। अभी हम चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे हैं। आप सभी को हमारे वीडियो के माध्यम से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन सामने दिख रहा होगा। दोस्तों यहां भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं आपको चौका घाट फ्लाईओवर दिख रहा होगा। इसी फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी लोग रहते भी हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के लंका चौराहे पर। आपको सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार दिख रहा होगा। यदि हम यहां से अंदर चले गए तो हम BHU कैंपस में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा दिख रही होगी।